खबर अयोध्या से है, जहां पुलिस विभाग में एक ऐसे सब इंस्पेक्टर चर्चाओं में है जो अपनी ड्यूटी के बाद मिले समय को जनसेवा के कार्य में लगाते हैं। इस समय ये दरोगा रणजीत यादव अयोध्या के डीआईजी कार्यालय में तैनात हैं और रक्तदान, पौधरोपण, पशु पक्षियों की सेवा के साथ ही अब उन्होंने भिक्षावृत्ति करने वालों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। दरोगा रणजीत यादव का कहना है कि उनका यह स्कूल अयोध्या के खुर्जाकुंड के पास स्थित जयसिंहपुर वार्ड में स्थित मलिन बस्ती में नवंबर 2021 से चल रहा है। इसमें इस समय 65 बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने बताया कि भीख मांगने वाले निराश्रित लोगों के बच्चे से उनका सरोकार तब हुआ जब वे अयोध्या के नया घाट चौकी पर तैनात थे। इस इलाके में कुष्ठ रोगियों को घाटों पर भीख मांगते देखा जाता है। वहीं बताया कि उनके बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आया जब वे बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई करते थे। उन्होंने बताया कि उसी के बाद उन्होंने भिखारियों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का संकल्प लिया। अब ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए उन्होंने अपना स्कूल शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वे इस समय पुलिस की अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाई की सामग्री जैसे कॉपी किताब, कलम, स्लेट, चौक, रबर, कटर और अध्ययन सामग्री अपनी जेब से खरीद कर देते हैं। साथ ही उनके अभिभावकों को जागरूक करते हैं कि शिक्षा से ही उनकी गरीबी दूर हो सकती है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। जी हाँ, जब मेरी कोतवाली अध्ययन ड्यूटी थी तो मैं देखता था घाटों पर जो हाँ बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ आप लोग रहते हैं, क्यों करते हैं इस तरह से, तो बताया नहीं। लेकिन जब काफ़ी प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि ये लोग जयसिंहपुर वार्ड है, वहाँ पे खजला कुंड के पास ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल से अपने गया, लेकिन शाम को उनके गार्जियंस को बुला करके उनसे बातचीत किया कि आप लोग इस तरह से जो बच्चों को भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सर, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम जरूर पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि हम अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करें तो कैसे लगेगा? तो लोग साहस तैयार हुए। फिर दूसरे दिन में कापी, कलम, पेंसिल, रबर, कटर, बिछाने के लिए दीवाल इत्यादि, ब्लैक बोर्ड लेकर के वहाँ पर पहुँचा और बच्चों के लिए ये अपना स्कूल की शुरुआत किया कि ये बच्चे जो इस अंधेरी दुनिया में है, भिक्षावृत्ति की दुनिया में है, इस खाई से इनको निकालने के लिए। अभी इसमें बच्चे 50 से 60 तकरीबन हैं। शुरुआत में बच्चे कम थे, लेकिन धीरे धीरे गार्जियंस को मोटिवेट किया, बताया कि जो भिक्षावृत्ति है इससे आपको 100-200 रुपये दिन भर में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको शिक्षा, अगर अपने आप बच्चों को शिक्षित कर लेंगे तो आपको यह जिंदगी भर के लिए उजियार देंगे और आगे ले जाएंगे। कहीं कहीं अगर कुछ बन जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते तब भी इनके मन में एक जागरूकता फैलेगी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, स्वच्छता के प्रति, जो अच्छे चीज़ हैं उनमें लोग आगे बढ़ेंगे, न कि इस अंधेरे